क्लास में हम विजुअल बेसिक का असाइनमेंट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा है डिजाइनर इंटरफेस विच विल अपीयर लाइक मार्कशीट। मार्कशीट जैसा कुछ इंटरफेस हमको डिजाइन करना है और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमको इनपुट लेके कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड, ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमको अपने प्रोग्राम में। और जो ग्रेड है उसको कैलकुलेट करने का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आप क्राइटेरिया भी देख सकते हैं कि परसेंट अगर 90 से ऊपर है तो ए प्लस, 90 और 75 के बीच में है तो ए, 60 और 75 के बीच में है तो बी, और 45 और 60 के बीच में है तो सी, अदरवाइज फे। 5 अलग अलग क्राइटेरिया हमको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने के लिए और टोटल परसेंट ग्रेड, यानी कि 8 हमारे पास जो है क्रिएट करने पड़ेंगे हमको टेक्स्ट बॉक्स, मिनिमम 8 टेक्स्ट बॉक्स हमको लगेंगे। चलिए हम यहाँ पर विजुअल बेसिक ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले फॉन्ट मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैंने फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लिया है और हम 8 अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स बनाया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से 8 अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स हमको बनाना है। 5 टेक्स्ट बॉक्स जो रहेंगे वो हमारे हैं 5 सब्जेक्ट के इनपुट लेने के लिए, ये टोटल परसेंट और देन हमारा ये रहेगा ग्रेड। और यहाँ पर एक बटन बना सकते हैं हम कैलकुलेट के लिए, चाहे तो नीचे भी बना सकते हैं, यहाँ पर नीचे या साइड में बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बटन में हम लिखेंगे कैलकुलेट और इस इन सारे टेक्स्ट बॉक्स को हमको ब्लैंक करना है, तो यहाँ पर हम इसको ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक करने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमने सभी टेक्स्ट बॉक्सेस को ब्लैंक कर दिया है और यहाँ पर हम सब्जेक्ट के नाम इनपुट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे नाम इनपुट कर सकते हैं सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट के नाम इनपुट करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेबल्स को हम पहले अरेंज कर लेते हैं, तो जो 4 लेबल्स हो गए हैं और 8 टाइप्स के, फिर से इसकी कॉपी तैयार कर लेते हैं। कंट्रोल एरे को आप जरूर से नो करेंगे, अदरवाइज वो कंट्रोल एरे क्रिएट कर दिया तो कोड में हमारा जो है चेंजेस आने लगता है, इंडेक्स वैल्यू को देनी होती है। ये मैंने 8 लेबल, 8 टेक्स्ट बॉक्स और एक कमांड बटन यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देना है तो इसको कुछ आप कलर भी दे सकते हैं, फिलहाल हम तो कलर ही दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट से नाम लिख देते हैं। पहले में हम लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, छोटा पढ़ रहा उसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, और मैथ्स। यहाँ पर हमारा होगा टोटल, परसेंट और ग्रेड। इस तरीके से हमको यहाँ पर टोटल परसेंट और ग्रेड जो है वो कैलकुलेट करना है, उसका क्राइटेरिया यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का जो नंबर है उसको इनपुट करा लेते हैं। कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते ही टोटल, परसेंट और ग्रेड आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कमांड बटन पर कोड लिखेंगे, हमको हिंदी, इंग्लिश और 5 सब्जेक्ट के वैल्यूज़ को इनपुट लेना है, तो 5 वेरिएबल बनाएंगे, डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, डिम सी एज इंटीजर, डिम डी एज इंटीजर और डिम ई एज इंटीजर। साथ ही साथ हम बनाएंगे डिम टोटल एज इंटीजर, डिम परसेंट एज डबल परसेंट, क्योंकि पॉइंट में भी हो सकता है, और डिम
जी आर ग्रेड के लिए है, ग्रेड एज स्ट्रिंग, ग्रेड हमारी जो है स्ट्रिंग होगी। तो हमने ये 8 अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। आपको पता है इन 5 की जो वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्सेस से आएंगी, और टेक्स्ट बॉक्सेस क्या है, ये टेक्स्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए कोड करते हैं। तो जो ए की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, हमको बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू आएगी टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट से। सेम ऐसे ही हमारे पास बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट 2 से। और सी की वैल्यू हमारी आएगी टेक्स्ट 3 से। इसी प्रकार से डी की वैल्यू आएगी टेक्स्ट 4 और ई की वैल्यू आएगी टेक्स्ट 5 से। क्लियर है? टोटल कैलकुलेट करना, तो टोटल बहुत ही सिंपल है। टोटल इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और टोटल की वैल्यू को हमको कहाँ पर देना है, जो हमारा टेक्स्ट 6 है, तो टेक्स्ट 6 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टोटल। ये हमारा टोटल जो है वो कैलकुलेट करने लगेगा। सेम इसी तरीके से अगर परसेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो परसेंट होगा टोटल इक्वल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 है, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, और टेक्स्ट 7 में हमारा परसेंट जो है वो डिस्प्ले होने वाला है। चलिए इसको रन करते हैं। और मैं जानबूझ के यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स देता हूँ जो कॉमन है, जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 सभी को मैंने 20 दे दिया, 5 सब्जेक्ट में 20 आने पर उसका टोटल आपका होगा 100 और परसेंट 20 आएगा, तो जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो परसेंट जैसा कुछ दिखाने लगे, मैंने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी लगा दिया है। तो ये हमारा परसेंट कैलकुलेट कर रहा है। अब हमको ग्रेड कैलकुलेट करना है। ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हमें ई सेल्स का यूज़ करना होगा। हम यहाँ पर ई सेल्स या फिर लेडर एक का यूज़ करेंगे। अगर हमारा परसेंट जो है, हमारी जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले उसको देखा जाए तो क्राइटेरिया में लिखा है कि 90 से ऊपर का जो अगर परसेंट है तो ए प्लस ग्रेड देना है। तो बहुत ही सिंपल है कि परसेंट ग्रेटर देन 90 देन जो जी आर की वैल्यू है वो ए प्लस रहेगी। अदरवाइज एल्स इफ में मैं लिख सकता हूँ कि परसेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 75 एंड परसेंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 90 या लेस देन कर देते हैं, यहाँ पर हम इक्वल टू कर देते हैं, देन ऐसी कंडीशन में क्या होगा, या इसको एल सिफ कर दिया हमने। अगर परसेंट की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है 75 और 90 के बीच में, यानी 75 और 90 के बीच में अगर वैल्यू है तो उसका जो ग्रेड है वो क्या हो जाएगा, ए ग्रेड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इस कोड को फिर कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगला क्राइटेरिया हम देखते हैं कि 75 और 90 के बीच में ए होगा, तो बी का क्या क्राइटेरिया है, 60 to 75। यहाँ पर दिया हुआ है 60 to 75, तो मैं यहाँ पर 60 to 75 के लिए ये सेम कोड को मैंने ये ऊपर का जो कोड है उसको पेस्ट किया और यहाँ पर 60 to 75 कर दिया और यहाँ पर बी क्राइटेरिया हमने दे दिया। सेम इसी तरीके से फिर मैंने अगली क्राइटेरिया के लिए सेम कोड में पेस्ट करूँगा। अगला क्राइटेरिया है 45 to 60 C grade, 45 to 60 C grade, तो मैंने फिर पेस्ट किया और यहाँ पर मैं 45 to 60 किया और इसको सी ग्रेड कर दिया। और लास्ट है एल्स वाला क्राइटेरिया, इसमें ग्रेड जो है वो फेल होगा। इस तरीके से हमारा ये लेटर इफ से हमने इसको तैयार कर लिया। हमारा कोड जो है रेडी है, प्रोग्राम को रन करते हैं। बहुत ही सिंपल डेटा मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट में मैं 100 में 100 नंबर दे देता हूँ, ताकि टोटल आपको पता चले कि टोटल सीधा 500 आने वाला है, परसेंट 100 आने वाला है और ग्रेड ए प्लस आने वाला है। आपको पता है कि 90 से ऊपर होने पर ए प्लस ग्रेड आएगा। तो देखिए, ओके, इस ग्रेड को हमने प्रिंट नहीं कराया है अभी,
तो प्रिंट कराने के लिए इसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट 8 इक्वल टू टेक्स्ट 8 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ग्रेड। तो अब टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेटा मैं दे रहा हूँ, टोटल हमारे आने वाला है 500% आने वाला है 100 और ग्रेड हमारा है ए प्लस। अब आपने देखा था कि 90 से कम होता है, यानी अगर मैं 89 देता हूँ तो टोटल हमारा होगा 4.45% 89 और ग्रेड ए हो गया है। उसी तरीके से अगर मुझे किसी को फेल करना है तो मैं सबको 10 कर देता हूँ तो फेल दिखाएगा। अब आप रैंडम नंबर यहाँ पर दे करके देख लीजिए कि टोटल सही दे रहा है कि नहीं। ये का टोटल है और ग्रेड इसका सी दिखा रहा है। इस प्रकार से आपका असाइनमेंट नंबर 4 जो था उसको हमने कंप्लीट किया।